नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में दिखी अफरा तफरी को देखते हुए संभावित तीसरी लहर के लिए तैयार रहना ही उचित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे में टीकाकरण ही सबसे प्रभावी उपाय है जो तीसरी लहर से सुरक्षा दे सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन के कारण होने वाले साइड इफेक्ट्स और प्रतिक्रियाओं को देखते हुए लोग अभी इससे घबरा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक टीकाकरण के बाद बुखार, थकान और शरीर में दर्द होना सामान्य है। ये समस्याएं एक से दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर टीका लगवाने के बाद आपके हाथ में इतना दर्द क्यों होता है और इस दर्द से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टरों की माने तो वैक्सीनेशन के बाद हाथ में दर्द होना काफी सामान्य है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के कारण होने वाले अन्य साइड इफेक्ट्स की तरह हाथों का दर्द भी एक से दो दिन में ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हाथों में होने वाला दर्द भी टीके के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का परिणाम है। वैक्सीनेशन के कारण किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का अनुभव होने का मतलब है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ रही है। वहीं डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हाथों में होने वाला दर्द का एक कारण ये भी हो सकता है कि कोविड का टीका इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, यानी इन्हें सीधे मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। ऐसे में वैक्सीन लगी हुई जगह पर सूजन की समस्या आम होती है। साथ ही ऐसे में दर्द को कम करने के लिए विशेषज्ञ हाथों को गतिशील रखने की सलाह देते हैं, जिससे खून का संचार होता रहे। खून का संचार होते रहने से दर्द आसानी से कम हो सकता है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेस यानी ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे बोल स्काई के साथ।